नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के सभी सीटों के नतीजे आ गए हैं। 6 दलों के गठबंधन गोपकार को बहुमत मिला है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी रही। बड़ी संख्या में सीटें जीतने पर बीजेपी के खेमे में उत्साह है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह ने इसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का आभार जताया है। उन्होंने इस चुनावी प्रक्रिया में अहम योगदान के लिए सुरक्षा बलों की सराहना भी की है। अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी को वोट देने के लिए जम्मू कश्मीर के भाइयों और बहनों का दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। हम पीएम के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की समृद्धि और विकास के लिए प्रयास करते रहेंगे। एक और ट्वीट में अमित शाह ने कहा है कि चुनाव के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों की भी मैं सराहना करता हूं। इससे लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के लोगों का मनोबल और बढ़ेगा। गृह मंत्री ने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में धरातल स्तर पर लोकतंत्र की बहाली का हर संभव प्रयास कर रही है। बड़ी तादाद में लोगों की भागीदारी लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को जाहिर करता है। डीडीसी चुनाव के नतीजों को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा है कि गोपकर में शामिल सभी दल मिलकर भी बीजेपी और पीएम मोदी को चुनौती नहीं दे पाए। यहाँ के लोगों ने 8 चरणों के इन चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सैकड़ों लोगों ने चुनाव लड़ा, लाखों लोगों ने मतदान किया और कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के राज्य में एक सफल चुनाव जिला परिषद के हुए। उसके लिए जीत जमहूरियत की हुई, जनता की हुई, जनतंत्र की हुई। 51% से ज़्यादा पोलिंग हुई, जो अपने आप में पिछले के चुनावों की तुलना में बहुत अच्छी थी। यही नहीं, कुछ प्रोपेगेंडा चलाया गया। जिस तरह से देश भर में मोदी जी के खिलाफ कभी महागठबंधन होता तो कभी गठबंधन होता था, जम्मू कश्मीर में नया नाम गुपकार गैंग के रूप में दिया गया। बहुत सारे दल इसमें इकट्ठे हुए, लेकिन ये सब इकट्ठे होकर भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में 75 सीटें मिली, जो सबसे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें मिली 75, और वोट शेयर भी सबसे ज्यादा मिला 38.74%। और अगर आप पूरी गुपकार गैंग को मिला लेंगे तो पूरी गुपकार गैंग का कुल मिलाकर वोट परसेंटेज केवल 32.96% बनता है। और अगर कुल वोट गिनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर वोट मिले हैं 4,87,364 वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को मिले, और NCPDP और कांग्रेस का वोट मिलाकर 4,77,000 बनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के वोट से काफी कम है। यह अपने आप दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मुहर लगाई है। डीडीसी चुनाव में बड़ी पार्टी बनने पर बीजेपी खेमा गदगद है और गुपकर को मिले बहुमत को कम बता रही है। 280 सीटों के लिए हुए चुनाव में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले 7 पार्टियों के गुपकर गठबंधन को सबसे ज्यादा 112 सीटों पर कामयाबी मिली। 74 सीटों के साथ बीजेपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने पहली बार कश्मीर घाटी में 3 सीटों पर भी जीत हासिल की है। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस 67 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।